मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इसके पहले आपको जीवों में जनन वाला जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझा था और मैंने उसके नोट्स भी आपको दिए थे और आज हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक एक, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? आंसर देखेंगे बच्चों, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता, विजीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास यानी जीवों की कमी की जो पूर्ति है वो किसके द्वारा होती है? जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। अब प्रश्न क्रमांक दो देखते हैं। प्रश्न दो, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? उत्तर, प्रायः लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की क्या होती है? अदला बदली होती है जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है और वो नया जीव अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जीव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जीव की जीवन जनन की सबसे अच्छी विधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक तीन, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उत्तर देखें, आकारिकी व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक चार, जीवन अवधि से क्या तात्पर्य है? लाइफ स्पैन। प्रत्येक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है जीव की जीवन अवधि होती है। प्रश्न क्रमांक पांच, निषेचन या फर्टिलाइजेशन को परिभाषित कीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज अर्थात जायगोट बनाते हैं निषेचन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक छह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और इसमें लगभग पूरा आपका कायिक प्रवर्धन है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाए हैं। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। उत्तर, कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाव प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधों का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न हैं। पहला, अजूबा के पौधे अर्थात ड्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। दूसरा, आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। देखते हैं अगला प्रश्न, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। उत्तर, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? शुक्राणु, यहाँ नरे लिखा है, यहाँ आप नर मानिएगा। शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों और उभयचरों में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखते हैं इसके नुकसान क्या है, बाह्य निषेचन से हानियां क्या है। पहला, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है। क्यों?
ताकि निषेचन के अवसर बढ़ जाए अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम हो जाते हैं। दूसरा संतति जो होती है क्योंकि वो अधिक मात्रा में युग्मकों का निर्माण करते हैं तो संतति भी अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। तीसरा संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति में गुजरती है, इसके फलस्वरूप इसकी उत्तर जीविता अर्थात जीवित रहने की जो क्षमता है वो जोखिम पूर्ण होती है अर्थात संतानें कम मात्रा में जीवित रह पाती है, जितनी संतानें बनती है उतनी पूरी जीवित नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी सर्वाइवल किस प्रकार सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, व्याख्या कीजिए। मतलब जो अंडा देने वाले प्राणी हैं उनके जो संतान है वो जो बच्चे देने वाले प्राणी हैं उनकी तुलना में कैसी रहती है, ज्यादा डेंजर कंडीशन में रहती है, क्यों? उत्तर, अंडप्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे युग्मनज का विकास मादा प्राणी के शरीर के बाहर होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखती है या निक्षेपित करती है। अंडों में भ्रूणी विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है और ये शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडों के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त होता है। अंडप्रजक में बाह्य परिवर्धन होता है, यह पर्यावरण प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से प्रभावित होता है, इसको कोई रोक नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिम युक्त होती है। अंडप्रजक प्राणियों को विकास के लिए कम समय मिलता है, अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव प्रजक की तुलना में कम होती है। जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो अंडप्रजक अर्थात ओविपेरस होते हैं, और जो सजीव प्रजक होते हैं जो जरायु यानी प्लेसेंटा वाले होते हैं उनमें निषेचित अंडे युग्मनज का परिवर्धन मादा प्राणी के शरीर में होता है, इसे आंतरिक परिवर्धन कहते हैं। शिशु का विकास पूरा होने के पश्चात प्रसव द्वारा इनका जन्म होता है। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण परिवर्धन में अधिक समय लगने के कारण इनकी जो जीवित रहने की क्षमता है वो कम जोखिम पूर्ण होती है। आंतरिक परिवर्धन होने के कारण ये बाह्य वातावरण तथा बाह्य परिवक्षी जीवों से सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि जो सजीव प्रजक या बीबी पेरस जो होते हैं उनके उत्तर जीविता ओवी पेरस की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 9, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हो, दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। फिर से देखते हैं, हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, किसी पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़ तना पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग भाग लेते हैं। उदाहरण अदरक बायोफिलम, अदरक एक प्रकंड है या भूमिगत तना है, इसके पर्व छोटे होते हैं, पर्व संधियां एक दूसरे के निकट होती हैं, पर्व संधियों में भूरे रंग के शल्की पर्ण होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में अंतस्थ कलिका से वायवी प्ररोह परिवर्धित होते हैं तथा कक्षस्थ कलिका भूमिगत शाखा को बनाती है। प्रकंद की शाखाएं एक दूसरे से अलग होकर वृद्धि करना है पादप का निर्माण करती हैं। बायोफिल्म की पत्ती भी वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन का अच्छा उदाहरण है। इस पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जूस्पोर। जूस्पोर मालूम है आपको, अलैंगिक प्रजनन के दौरान बनते हैं चल बीजाणु तथा युग्मनज अर्थात जायगोट जो लैंगिक प्रजनन के दौरान बनता है उसमें विभेद यानी अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के इम्पोर्टेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से भी ये जो है अंतर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आंसर है जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद। पहला अंतर देखें, जूस्पोर जो होता है अलैंगिक जनन से संबंधित रचना है, इसके विपरीत युग्मनज जो होता है वो लैंगिक जनन में पाया जाता है। दूसरा आंसर देखें, ये प्रायः आगुणित होते हैं और युग्मनज जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, 2x होते हैं इनमें क्रोमोसोम संख्या। तीसरा, जूस्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं क्योंकि अलैंगिक इसमें दो पेरेंट नहीं मिल रहे हैं। युग्मनज में क्या होता है, नर व मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, अतः इसमें दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। चौथा, जूस्पोर चल होते हैं, सीलिया या कशाबिका पाए जाते हैं जो तैरने में मदद करते हैं, इसके विपरीत जो युग्मनज है वो अचल होते हैं यानी इमोटाइल होते हैं।
ये डिस्क्रिप्टिव आंसर है जो आपके असाइनमेंट्स और उसमें आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 11, व्याख्या कीजिए किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। पहले देखेंगे किशोर चरण। जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो नवजात पौधे का निर्माण होता है। यह नवजात पौधा धीरे धीरे विकसित होकर वृद्धि करते हुए अपने विभिन्न कायिक भागों को बनाता है। ये सभी किशोर अवस्था के चरण होते हैं। किशोर या कायिक प्रावस्था के अंत होने पर जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है। ये तो पौधों के लिए और इसी प्रकार से जीव के लिए भी होता है। दूसरा है प्रजनन चरण अर्थात फर्टिलाइजेशन फेज। पौधों पर पुष्प लगने पर यह ज्ञात होता है कि अब वह प्रजनन चरण का प्रारंभ हो गया है। कुछ पौधों में एक विशेष ऋतु में पुष्प आते हैं तो अन्य में वर्ष पर्यंत पुष्प लगे होते हैं। कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों में स्पष्टता कायिक जनन तथा जीर्णता की प्रावस्थाओं को देखा जा सकता है। इस चरण में प्रजनन कार्य होता है। प्राणियों में भी मौसम और हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है, अर्थात पौधों में पुष्पों का आगमन चालू हो जाता है तो समझ लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है। तीसरा, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। वृद्धावस्था के साथ साथ प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं। इसे जीर्णता चरण या जीर्णावस्था कहते हैं। अब हम ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। पहला देखें, गैमेटोजेनेसिस यह युग्मक मात्र कोशिका से युग्मक बनने की प्रक्रिया है। भ्रूणोद्भव यह युग्मन से भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। युग्मक जनन निषेचन से पूर्व की घटना है, भ्रूणोद्भव निषेचन के पश्चात की घटना है। युग्मक जनन के समय द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन एवं आगुणित जीवों में समसूत्री विभाजन होता है, बल्कि भ्रूणोद्भव के समय केवल समसूत्री विभाजन होता है। चौथा, यह प्रक्रिया जननांगों के अंतर संपन्न होती है और भ्रूणोद्भव यह प्रक्रिया जो होती है वो मादा शरीर के अंदर या बाहर, अगर ओविपेरस है तो बाहर, वीवीपेरस है तो अंदर संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को परिणति निषेचन के रूप में होती है और इस प्रक्रिया की परिणति जीवोत्पत्ति के रूप में होती है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें बच्चों, अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर। पहला देखें, अलैंगिक प्रजनन एक जन की प्रक्रिया, मतलब एक ही पेरेंट भाग लेता है उसमें। लैंगिक जनन द्विजन की प्रक्रिया, ना दो लोग भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता, लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता और लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण आवश्यक होता है। अलैंगिक प्रजनन केवल समसूत्री विभाजन होते हैं, लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के सेल डिवीजन पाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन की तीव्र विधि है, यह प्रजनन की अपेक्षाकृत धीमी विधि है। अलैंगिक प्रजनन की जैव विकास में कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि लैंगिक प्रजनन की जैव विकास में भूमिका होती है महत्वपूर्ण रूप से। सातवां, अलैंगिक प्रजनन संतति आनुवांशिक रूप से पूरी जनक के समान क्लोन टाइप रहती है, और जबकि लैंगिक प्रजनन में संतति दोनों जनकों से आनुवांशिक रूप से विभिन्नताएं रखती है। अलैंगिक प्रजनन एक कायजनिक सोमेटोजेनिक प्रजनन है, और बल्कि लैंगिक जनन यह एक भ्रूणी प्रजनन है। बच्चों ये मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताए, लेकिन आपको इनके साथ साथ जो डायग्राम्स मैंने आपको पहले दिए हैं वो जरूर अपनी नोटबुक में बनाना है। आप इनको अच्छे से नोट करें, याद करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।